लखीमपुर में नाबालिग दलित बहनों की हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा कर दिया। ये मामला काफी सुर्खियों में है। मां का आरोप था कि बाइक पर युवक आए और जबरदस्ती बच्चियों को अगवा कर ले गए थे, लेकिन इसके बाद खेत में रेप करने की खबर सामने आई और फिर हत्या कर डाली, ये भी कहा गया। और वहीं लखीमपुर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बकायदा एसपी संजीव सुमन का कहना है कि घटना में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबरदस्ती अगवा करने जैसा मामला बिल्कुल नहीं है। लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया था और वहां उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए गए, इसके बाद उनकी हत्या करके शव फंदे पर लटका दिए गए थे। ये मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है। इस मामले ने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। ये मामला वाकई में दंग कर देने वाला था। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी इस मामले को सुलझाने की, और जिस तरह से फंदे पर लटकाया गया था बच्चियों को, ये भी एक बड़ा सवाल था कि कैसे वैश्य दरिंदे ऐसा कर सकते हैं और कौन वो थे। उसके बाद मां का जो बयान है वो दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और उसके बाद एक के बाद एक खुलासे अब होते जा रहे हैं। और ये जानकारी मिली है कि जानकार थे जो आरोपी थे और बहला फुसला कर उन बच्चियों को अगवा कर ले गए थे, ये बात नहीं है, लेकिन अपने साथ ले गए थे ये जरूर बात है। और उसके बाद पुलिस की ओर से कहा गया कि फिर खेत में जाकर जबरदस्ती संबंध बनाए गए उनके साथ शारीरिक, और उसके बाद हत्या कर दी गई दोनों बच्चियों की, ये भी जानकारी मिल पाई है। लेकिन अभी इस मामले की जांच जारी है, आगे और भी जानकारी पुलिस जुटा रही है और देखने वाली बात है। 6 गिरफ्तारी हो चुकी है, अब पुलिस से पूछताछ जब करेगी आरोपियों से और कितने बड़े खुलासे वो कर सकते हैं, क्या पहले से पूरी प्लानिंग बनाकर यह किया गया था। लेकिन न्याय मिलना चाहिए उन बच्चियों को जो इस दुनिया में अब नहीं, और उस परिवार को भी जिन्होंने सब कुछ ये झेला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जो मृतका हैं उनके परिवार के, उनके परिवार के पास पड़ोस के ही रहने वाले हैं, उनका नाम दिया नामजद और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया। इस पे पुलिस ने सघनता से विवेचना शुरू की, मौका मुआयना किया गया, उसमें जो भी 3 लोग थे वो प्रकाश में लाए गए। ये तीनों लोग, ये जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इसके अक्वेंटेंस हैं, इनके नोन हैं। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था, इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इनके नाम जुनैद सन ऑफ इसराइल, सुहैल सन ऑफ इस्लामुद्दीन, हफीजुल रहमान उर्फ मझिलका सन ऑफ अजीजुल रहमान है। जुनैद की गिरफ्तारी अभी थोड़ी देर पहले हुई है, एक एनकाउंटर हुआ है, उनके पैर में गोली लगी है संभवतः, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है, उसमें गिरफ्तारी की गई है। तो चारों अभियुक्त जो नामजद किए गए, तो उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो विषय बताया गया है, छोटू ने इनको पहले परिचित करवाया, जो छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, इन्होंने इनको परिचित करवाया था कुछ दिनों पहले, इन 3 लड़कों को, इस महिलाओं से इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहाँ इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पर अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से शुद्ध होके लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के